संकल्प यात्रा का नेतृत्व आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद जी मौर्य कर रहे हैं और साथ ही प्रदेश की तरफ से नेता प्रतिपक्ष श्रीमान राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान अशोक जी पंडानी साहब, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमान सियाद चौधरी साहब, आप सब लोगों के बीच में इस परिवर्तन संकल्प यात्रा में संकल्प दिलाने के लिए आए हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इस भ्रष्टाचारी के नीचे में कांग्रेस सरकार को आप उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। आपने जिस देश के साथ भव्य स्वागत किया, अभिनंदन किया है, देश का नेतृत्व आपका आभार व्यक्त करता है।
सबको अभिनंदन करता हूं। देश की 25 करोड़ जनता जनार्दन की ओर से आपको एडवांस में बधाई देता हूं। अभिनंदन किया है उसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं।
प्रसाद जी, घर घर भगवान खाएगा। बोलिए भर्तरी बाबा की, भारत माता की, और जोर से बोलिएगा जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा आज जनपद अलवर के थाना गाजी में हमारे राजस्थान प्रदेश के एक सजग पहरेदार के रूप में भारतीय जनता पार्टी की ओर से नेता प्रतिपक्ष के रूप में जो लगातार आपकी आवाज को सदन में बुलंद करते रहे, ऐसे आदरणीय राजेंद्र जी राठौर जी जिनको अभी आपने सुना, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अशोक जी परनामी, उनका भी उद्बोधन आपने सुना, हमारे पूर्व मंत्री, हम लोग लोकसभा में साथ साथ थे 2014 में, और इस यात्रा के संयोजक आदरणीय सीआर चौधरी जी भी मंच पर यहां पर हैं, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय श्रवण बगड़ी जी हमारे यहां पर हैं, हमारे जिनके अगुवाई में आज यहां पर ये स्वागत और जनसभा का कार्यक्रम हुआ, ऐसे हेम सिंह भड़ाना जी पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार, हमारे जिले के अध्यक्ष श्री अशोक गुप्ता जी, हमारे विधानसभा के प्रभारी नेमी चंद जयमन जी, जिले के प्रभारी यात्रा की दृष्टि से गोवर्धन सिसोदिया जी, सहयोगी श्री ऋषिराज शर्मा जी, श्री राम हेत यादव जी, हमारे धीरज जैन जी, और मंच पर और मंच के सामने बड़ी संख्या में हमारे, चाहे वो जिले के होंगे, मंडल के होंगे, बूथ के होंगे, ऐसे सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी मित्रों यहां पर उपस्थित भारी संख्या में मेरे बड़े बुजुर्गों, मेरी माताओं बहनों, मैं आप तक आ नहीं सकता, यही समय आप सबको सादर प्रणाम करता हूं। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज आप सबके बीच में आया हूं, लेकिन कोई बात कहने से पहले एक निमंत्रण देना चाहता हूं। आपके राजस्थान प्रदेश के अंदर 2023 में विधानसभा चुनाव हो रहा है, और भगवान श्री राम लला का भव्य मंदिर बनकर के तैयार हो गया है, वह जनवरी 2024 में वहां राम लला विराजमान हो जाएंगे। आप सबको आमंत्रण दे रहा हूं, आप सबको निमंत्रण दे रहा हूं अयोध्या उत्तर प्रदेश आने का, लेकिन आप सबको तो कमल खिला करके आना है। बीजेपी मैं राजस्थान की ताकत को जानता हूं, हम लोग उत्तर प्रदेश में 2014 का जब लोकसभा चुनाव हो रहा था, माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में भारत की बागडोर सौंपना था, उस समय हमारे यहां 80 लोकसभा सीटें थी, हम उसमें से केवल 73 जीता पाए थे, लेकिन मैं राजस्थान को प्रणाम करता हूं, आपके यहां 25 थी, पूरी 25 की 25 जीता करके माननीय नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना पूर्ण आशीर्वाद देने का काम किया था। 2013 की ताकत भी मुझे आपकी याद है, आपने कांग्रेस को इटली भेज दिया था, 2013 में भेजा था ना, यहां सूबा संघ बन दिया था, और 2014 में तो मोदी जी के लिए आपने हर लोकसभा सीट कमल के नाम कर दिया था, मोदी जी के नाम कर दिया था, भारतीय जनता पार्टी के नाम कर दिया था। आप हनुमान जी की तरह शक्तिशाली हो, कभी कभी अपनी ताकत भूल जाते हो और गलत हाथों में अपने प्रदेश की बागडोर दे देते हो। कांग्रेस और ईमानदारी, ये दोनों एक साथ रह सकते हैं क्या? भ्रष्टाचार और कांग्रेस का जन्मजात नाता है, रिश्ता है, यह कभी खत्म नहीं हो सकता। अपराधियों का, दंगाइयों का संरक्षण करने वाली अगर कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है, यह
यह जग जाहिर है, पूरी दुनिया जानती, देश तो जानता है, राजस्थान तो जानता है। हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस को खोजने से कहीं वो दूरबीन लेकर के खोजे तब वहां एक कांग्रेस का सांसद मिलता है, कितना, एक रायबरेली लोकसभा से जहां से श्रीमती सोनिया गांधी जी चुन करके आई है। अब इस बार मैं आपको बता रहा हूं रायबरेली में भी कमल खिला देंगे। उत्तर प्रदेश में दूरबीन लेकर के खोजने से भी कांग्रेस नहीं मिलती। ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश वाले कांग्रेस के कारनामों को बाद में जाने हैं, जैसे आप जानते थे वैसे यूपी वाले भी जानते थे। और कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश हो सकता है तो कांग्रेस मुक्त राजस्थान भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, दोनों हाथ पैर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। मैं 2016 में उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना था। 2017 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव थे। अब जब 2016 में मैं अध्यक्ष बना तो हमारे विधायकों की संख्या 40 थी, हमारे यहां 403 विधायक चुन करके जाते हैं। लेकिन यह परिवर्तन यात्रा और जनता का समर्थन दोनों देख करके जब मेरे पत्रकार मित्र मुझसे पूछते थे, मेरे नौजवान मित्र मुझसे पूछते थे कि केशव जी कितनी सीटें जीतोगे, पहले मैं 265 प्लस कहता था, बाद में मैंने कहा आपकी बार 300 पार। और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमने 40 विधायकों से उत्तर प्रदेश में 325 विधायक की संख्या जिता करके विधानसभा में पहुंचा करके मुख्यमंत्री योगी जी की अगुवाई में हमने अपनी सरकार बना लिया। और हमारी सरकार की सुगंध आप तक आती होगी, आती है कि नहीं आती है? उत्तर प्रदेश में अच्छा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भ्रष्टाचारी हो, अपराधी हो, माफिया हो, गुंडे हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है? यहां तक खबर आ जाती है कि आप लोगों को भी ये काम राजस्थान में भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो सुशासन और विकास की गारंटी भारतीय जनता पार्टी है, भ्रष्टाचार और अपराध और दंगों की गारंटी कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी का युग खत्म हो गया है और सुशासन, भाजपा गरीब का, किसान का, नौजवानों के उज्जवल भविष्य का, माताओं बहनों को के सशक्तिकरण का युग आ गया है। और इस युग को लाने में आप सबकी बड़ी भूमिका है। अगर आपने माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में देश की बागडोर नहीं सौंपी होती तो जम्मू कश्मीर से धारा 370 कभी हटती क्या? बताइए हटती क्या? अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बन रहा होता क्या? आज यह सब कुछ हो रहा है तो आपके आशीर्वाद और समर्थन के बल पर हो रहा है। मैं आप सबको आह्वान करने के लिए आया हूं, निवेदन करने के लिए आया हूं, परिवर्तन यात्रा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश के नेतृत्व में आपसे अपील की है। मैं भी उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की शुभकामनाएं आपको देते हुए आपसे प्रार्थना करता हूं, मेरा बूथ, हम लोग नारा लगाते हैं मेरा बूथ, जोर से बोलिए मेरा बूथ। जो भी यहां सब कार्यकर्ता नहीं होंगे, यहां तो सैलाब उमड़ रहा है। मैं अभी जहां से यात्रा में शामिल हुआ हूं, जहां स्वागत हो रहा है वहां भी विशाल जनसभा का रूप धारण कर रहा है, और जहां जनसभा हो रही वह सैलाब मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। आज यह सब जो देश के अंदर इतनी बड़ी ताकत हमारी पड़ी है, अगर आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया भारत के पीछे खड़ी है तो आपकी ताकत है। हम लोग एक गाना सुनते थे फिल्म का कि मेरा भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार खड़ा, लेकिन मेरा मोदी वो मोदी है जिसके पीछे संसार चला। मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर कुछ कह दें तो दुनिया में आज कोई ऐसा देश है क्या उसको ना करने का हिम्मत करे? आज पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली, सबसे लोकप्रिय नेता अगर कोई है तो उनका नाम है माननीय नरेंद्र मोदी।
और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है तो उनका हाथ मजबूत करना चाहिए, कमजोर करना चाहिए? तो दोनों हाथ मैं आप सबसे ये प्रार्थना करने के लिए आया हूं, 2013 का भी रिकॉर्ड टूटना चाहिए। तोड़ दोगे? यहां मैंने 2500 बीघा जमीन का भी विषय सुना है, यहां के भ्रष्ट विधायक का भी विषय मैंने सुना है, और मैंने तो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा करने वाली राजस्थान की जो सरकार है उसके कारनामे भी यूपी तक है। यहां हमारी कुछ आपको अच्छाइयां सुनने को मिलती होंगी, लेकिन इस सरकार कांग्रेस की सरकार के कारनामे ऐसे हैं, कहलाव सरकार के कारनामे ऐसे हैं कि हमें अच्छाइयां सुनने के लिए उत्तर प्रदेश में नहीं मिलती। आप सबसे मैं अपील करने के लिए आया हूं, प्रार्थना करने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी अगर आपका वोट लेती है तो वोट को कर्ज के रूप में लेती है, और जो आपकी अपेक्षा है उस अपेक्षा के अनुरूप सेवा करके ब्याज के साथ उसे चुकता करने का काम भी करती है। हम भ्रष्ट, हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या नारा दिया है देश के लोगों के सामने, अगर देश को आगे बढ़ाना है, देश को दुनिया में नंबर एक बनाना है, देश को विश्वगुरु बनाना है तो क्या करना होगा? भ्रष्टाचार मुक्त भारत। और कांग्रेस भ्रष्टाचार मुक्त कर सकती है क्या? उनके एक प्रधानमंत्री जी का, हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष राठौर जी को बहुत याद होगा, तमाम वरिष्ठ लोग यहाँ सामने भी बैठे, श्री राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वो कहते थे हम दिल्ली से अगर एक रुपया भेजते हैं तो जिस किसान के लिए, मजदूर के लिए, महिला के लिए, नौजवान के लिए भेजते हैं उसमें से तो 85 पैसा बीच में खा जाते हैं। हमें गर्व है हमारे मोदी जी 30 लाख करोड़ रुपया से अधिक किसानों के लिए भी, गरीबों के लिए भी, मजदूरों के लिए भी, माताओं बहनों के लिए भी, अनेक योजनाओं के लिए दिल्ली से एक बटन दबाते हैं और सीधा आपके खाते में पहुंच जाता है, बीच में कोई बेईमान भ्रष्टाचारी नहीं रह पाता। लेकिन मुझे मालूम है कि अभी राजस्थान के अंदर बहुत सारी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली योजनाओं का लाभ राजस्थान के किसानों को, नौजवानों को, माताओं बहनों, बड़े बुजुर्गों को नहीं मिल पाता, और नहीं मिलने का भी कहा अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कि हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए अगर भारत सरकार ने खजाने का मुंह खोल दिया कि सबको शुद्ध पानी मिले तो क्या उसमें इनको भ्रष्टाचार करना चाहिए, उसमें बाधा डालनी चाहिए क्या? माननीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली से अगर गरीब के लिए योजना कोई बनाते हैं तो जितना हक उत्तर प्रदेश का है उतना ही हक राजस्थान का भी है, देश के हर प्रदेश का है। लेकिन केंद्र सरकार की बनी हुई योजना का लाभ या कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार, कांग्रेस की गरीब विरोधी सरकार, कांग्रेस की किसान विरोधी सरकार, कांग्रेस की नौजवान विरोधी सरकार, कांग्रेस की महिला विरोधी सरकार, कांग्रेस की घोटाला करने वाली सरकार, वह योजना आप तक नहीं पहुंचने देती है। मैं आप सब लोगों को आज यहां पर लंबी बातें नहीं करूंगा, यात्रा लंबा जाना है, आप सबसे इतना ही निवेदन करूंगा कि आने वाले चुनाव तो अभी घोषित नहीं हुए लेकिन चुनाव किसी भी समय घोषित हो सकते हैं, जब भी चुनाव होगा कमल का फूल खिलाइएगा। और यह ध्यान रखना मेरे भाई बहनों, ये कमल का फूल ऐसा फूल है जिसमें कौन बैठ करके आता है? माता लक्ष्मी जी बैठ करके आती है। कमल के फूल पे मां लक्ष्मी बैठ करके आती है और हाथ के पंजे पर दंगाई बैठ करके आते हैं, अपराधी बैठ करके आते हैं, भ्रष्टाचारी बैठ करके आते हैं। इसे हाथ के पंजे को मरोड़ दो तो मरोड़, आपके प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया है, किसानों के अधिकारों के साथ हरण करने का काम किया है। अभी मैं सुन रहा था प्रामी जी पूछ रहे थे वादे जो किए 2018 में सब पूरे हो गए क्या? दोनों हाथ उठा, पूरे हो गए क्या? वादा करना बहुत सरल है और वादे करके भूल जाना, अगर कोई सीखना चाहे तो कांग्रेस वालों से सीख ले। हमारे प्रधानमंत्री कहते हम कोई भी योजना अगर शुरू करेंगे, अगर उसका शिलान्यास करेंगे तो उद्घाटन भी हम ही करेंगे, और यहाँ क्या हो रहा है, कभी घोषणा करेंगे फिर शिलान्यास करेंगे फिर उद्घाटन, चार चुनाव बिता देते हैं,
आज उत्तर प्रदेश जो सबसे पीछे छूट गया प्रदेश था, आज आगे बढ़ता हुआ प्रदेश है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में इसलिए सफलता अर्जित की क्योंकि हमारे यहाँ डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में भी भाजपा की सरकार, प्रदेश में भी भाजपा की सरकार। 2024 में लोकसभा, आप बताओ ये सब जो सारे विरोधी दल के लोग इकट्ठा हो गए हैं,